और श्रावस्ती जनपद में आज और कल यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होनी है। इसको लेकर बने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां जैमर लगाकर चेकिंग की जा रही है। वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज 17 फरवरी और कल 18 फरवरी को होनी है। इसके लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुँचने लगे हैं। ये परीक्षा 60,244 सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए होने जा रही है। इसके लिए ज़िले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल पर नकेल कसने के लिए कई कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। श्रावस्ती में करीब 1728 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड के कड़े पहरे के बीच परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को गहन तलाशी के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे के साथ पुलिस का कड़ा पहरा है। वहीं शालवर गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए डीएम व एसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर परिधि में इंटरनेट कैफे फोटो कापी की दुकानें बंद कराई गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी के अलावा पुलिस बल, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल के अलावा अन्य डिजिटल उपकरणों को निष्क्रिय रखने के लिए जैमर भी लगाए गए हैं।